हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर्स में ऑस्कर अवार्ड्स को 90 साल हो गए। इस मौके पर वहां पे साल 2017 की बेहतरीन फिल्मों को नॉमिनेट किया गया, जिसमें से एक फिल्म बनी साल 2017 में रिलीज हुई हजारों फिल्मों में से दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म। इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई फिल्मों में शामिल थे गे लव स्टोरी पे बेस्ड फिल्म कॉल मी बाय योर नेम, जिसकी साल 2017 में स्टोरी लाइन की वजह से काफी तारीफ हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध पर बनी फिल्म द डार्केस्ट आर, जिसमें गैरी ओल्डमैन की एक्टिंग को लोगों ने काफी ज्यादा सराहा। क्रिस्टोफर नोलान जैसे दिग्गज फिल्म मेकर की वार्नर ब्रोस पिक्चर्स के साथ बनाई गई फिल्म डनक्रिक, जिसने 3,30,000 सैनिकों की जान बचाने की रोमांचक कहानी बताई गई है। इसी के साथ नॉमिनेट हुई साल 2017 में $255 मिलियन यानी कि 16,000 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली फिल्म गेट आउट। इसके अलावा माँ बेटी की केमिस्ट्री पे बेस्ड फिल्म लेडी बर्ड और 1950 के फैशन आइकन्स पे बेस्ड फिल्म फैंटम थ्रेड, अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट की अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ जंग पे आधारित फिल्म द पोस्ट, एक गूंगी लड़की एलिसा और एक अजीबोगरीब पानी में रहने वाले जीव के बीच की केमिस्ट्री दिखाती हुई फिल्म द शेप ऑफ वाटर भी नॉमिनेट हुई थी, जिसमें से सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला शेप ऑफ वाटर को। The Shape of Water. Guillermo del Toro and J. Miles Dale producers. The Shape of Water has 13 Academy Award nominations this year, winning 4 Oscars tonight for production design, music original score, directing, and best picture. Thank you. Thank you very much.